Assalamu alaikum and very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 1 precedence grammar chapter number 14 have and has recapitulation for your term 2. Students, aaj mein ye video mein aapko class 1 jo hai उसका जो ग्रामर चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 हैव एंड हैज़ वो एक्सप्लेन करूँगी, उसका रिवीजन लूँगी, राइट। सो आपको कोई भी क्वेरी है सो आप क्लेरिफाई कर सकते हो, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टू योर चैप्टर नंबर 14 हैव एंड हैज़ रिवीजन। स्टूडेंट्स, ओपन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 14 and see, look at the pictures and read the given sentence aloud. जो आपकी आपकी जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है वहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके साथ में उसके कितने सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें उन्होंने हैव एंड हैज़ का यूज़ कहाँ पर किया है वो देखना है आपको, राइट। सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेंटेंस है, हु हैज़ अ लैपटॉप। अब ये जो लड़की है, गर्ल जो है, वो किसको किसके बारे में पूछ रही है, ये बॉय को। अब जो बॉय है इसके लिए क्या यूज़ होगा बेटा, ही। सो ही शी एंड इट जो है उसके साथ यूज़ होगा हैज़, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, हु हैज़ अ लैपटॉप, बिकॉज ही उसको किसके बारे में बात कर रही है, ये बॉय को पूछ रही है वो, राइट। सो ही के साथ क्या आएगा बेटा, हैज़। सो हु हैज़ अ लैपटॉप, सी हियर ब्लू कलर से आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, हैज़, राइट। नेक्स्ट है, अब ये जो बॉय है वो खुद आंसर दे रहा है। अब बॉय जो है उसके लिए ही यूज़ होता है तो यहाँ पे हैज़ आएगा। अब ये जो बॉय है वो जब आंसर दे रहा है सो वो आई से स्टार्ट करेगा, मीन्स मेरे पास लैपटॉप है। तो जब आई, वी, यू एंड दे हैं उसके साथ क्या यूज़ होगा बेटा, हैव, ओके। सो ये जो लड़का है, बच्चा है, वो बॉय है, वो क्या आंसर देगा, आई हैव अ लैपटॉप। हैज़ किसके साथ यूज़ होगा बेटा, ही, शी और इट जो है उसके साथ हैज़ यूज़ होगा, और आई, वी, यू, दे जो है उसके साथ हैव यूज़ होगा, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर पिक्चर्स विथ सेंटेंसेस। सी हियर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विच। सी हियर, द विच हैज़ एप्पल्स। सी हियर, हैज़ क्यों यूज़ हुआ, विच, विच जो है वो कौन है, वूमन है, और वूमन के लिए क्या यूज़ होगा, शी। सो शी के साथ क्या आएगा बेटा, हैज़। सो द विच हैज़ एप्पल्स। नाउ हियर, ये जो लड़की है उसका नाम क्या है, मैरी, और उसके पास क्या है, लैम्प। सो मैरी जो है वो गर्ल का नाम है, और गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है बेटा, शी। सो मैरी, शी जो है उसके साथ क्या यूज़ होगा बेटा, हैज़। सो मैरी हैज़ अ लैम्प, ओके। क्या है, मैरी हैज़ अ लैम्प। नाउ प्रोसीड टू अनदर पिक्चर्स। सी हियर, मैंने अभी आपको बताया बेटा कि बॉयज़ के लिए ही यूज़ होता है, सो उसके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, सी हियर, यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं, टू। अब ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, मीन्स बॉयज़, बी ओ वाई एस, बॉयज़। सो बॉयज़ हैं तो वो कितने हैं, मोर देन वन, तो उनके लिए क्या यूज़ होगा, वी, है ना। सो वी के साथ क्या यूज़ होगा बेटा, हैव। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, बॉयज़ हैव हॉकी स्टिक्स, ओके। नाउ हियर ऑल्सो टू गर्ल, है ना। अब दोनों के लिए क्या, दो प्लूरल फॉर्म में है, राइट, मीन्स मोर देन वन है, सो उनके लिए क्या यूज़ होगा, दे, है ना। सो दे के साथ भी क्या यूज़ होगा बेटा, हैव। सो दे हैव बुक्स। नाउ सी वंस अगेन योर पिक्चर्स। फर्स्ट क्या है बेटा, हु हैज़ अ लैपटॉप। अब ये बॉय के बारे में पूछ रही है, इसके लिए बॉय के लिए यूज़ होगा ही। सो ही के साथ क्या आएगा बेटा, हैज़। सो हु हैज़ अ लैपटॉप। अब ये जो बॉय है वो आंसर दे रहा है, सो आई से स्टार्ट करेगा, राइट। सो आई के साथ आएगा हैव। सो आई हैव अ लैपटॉप। नेक्स्ट है, ये जो पिक्चर है विच का है, सी हियर, द विच हैज़ एप्पल्स। अब विच जो है वो वूमन है, सो वूमन के लिए शी यूज़ होगा, सो यहाँ पे भी हैज़ आएगा। सेम हियर, मैरी इज़ अ गर्ल, सो गर्ल के लिए भी शी यूज़ होगा, सो मैरी हैज़ अ लैम्प। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है बॉयज़, ओके। सो बॉयज़ के लिए भी
यूज़ कर सकते हो, राइट। यू भी यूज़ कर सकते हो, डे मीन्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, राइट। सो उसके साथ क्या आएगा, हैव। सो बॉयज हैव हॉकी स्टिक्स एंड हियर दे हैव बुक्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर एक्सरसाइज वन। सी हियर, वी यूज हैज फॉर ही शी एंड इट एंड वी यूज हैव फॉर आई दे यू एंड वी। एक्सरसाइज वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव और हैज़। फर्स्ट वन, आई डैश अ डॉग, जो मैंने अभी बताया बेटा आई के साथ क्या यूज होगा, हैव। सो आई हैव अ डॉग। नेक्स्ट है वी डैश अ कैट, अब वी के साथ क्या यूज होगा, सी हियर वी हैव, सो वी हैव अ कैट। नेक्स्ट है सी डैश अ हॉर्स, अब सी के साथ क्या यूज होगा, सी हियर सी के साथ हैज, सो शी हैज अ हॉर्स। दे डैश अ बिग हाउस, अब दे के साथ देखो यहाँ पे दे के साथ क्या यूज होगा, हैव, सो दे हैव अ बिग हाउस। नेक्स्ट है अ जिराफ डैश अ लॉन्ग नेक, अब सी हियर बेटा यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल है, जिराफ कौन है, एक एनिमल है, सो एनिमल के लिए क्या यूज होगा बेटा, इट, ओके। सो इट के साथ क्या यूज होगा, हैज, सो अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। नेक्स्ट है डैनी डैश अ बाइसिकल, अब डैनी जो है वो बॉय का नाम है, सो बॉय के लिए क्या यूज होगा, ही, और ही के साथ क्या यूज होगा, हैज, सो डैनी हैज अ बाइसिकल। सी वंस अगेन फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ डॉग, वी हैव अ कैट, शी हैज अ हॉर्स, दे हैव अ बिग हाउस, a giraffe has a long neck, Danny has a bicycle. Now let's proceed to your exercise 2. Fill in the blanks, correct word of the from the bracket. यहाँ पे brackets दिए गए हैं, उसके अंदर have and has means यहाँ पे आपको option दिए गए हैं। अब ये जो blank है उसके related आपको देखना है और जो correct answer है वो आपको ये bracket में से फाइंड करके लिखना रहेगा, ओके। फर्स्ट है डू यू डैश हैव एंड हैज अ पेन, टीना डैश हैव एंड हैज अ नाइस होम, जो डैश हैव ऑब्लिक हैज टू पेट्स, दे डैश हैव एंड हैज अ गार्डन, आई डैश हैव ऑब्लिक हैज अ गिफ्ट फॉर यू, She dash have oblique has a yellow bag. अब यहाँ पे बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बेटा, have and has, right? So उसको आपको करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। See here, first sentence क्या है, क्वेश्चन है do you dash a pen? So मैंने अभी आपको बताया बेटा कि you के साथ क्या यूज़ होगा, have, okay? See here, you के साथ क्या यूज़ किया हुआ है, have, okay? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डू यू हैव, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो आपका क्या है बेटा, आंसर। डू यू एच ए वी ई हैव अ पेन, मीन्स यहाँ पे आपको हैज नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, एच ए वी ई हैव, ओके। नेक्स्ट है टीना डैश हैव ऑब्लिक हैव अ नाइस होम, अब टीना जो है वो कौन है बेटा, गर्ल है, राइट। सो गर्ल के लिए क्या यूज होगा, शी, तो यहाँ पे आप देखो शी के साथ क्या यूज़ किया गया है, हैज, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टीना हैज, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो आपका आंसर है, टीना हैज अ नाइस होम। नेक्स्ट है जो डैश हैव ऑब्लिक हैज टू पेट्स, नाउ सी हियर जो इज अ बॉय, ओके। सो बॉय है तो उसके लिए क्या यूज होगा बेटा, यहाँ पे देखो ही, ओके, और ही के साथ आएगा हैज। सी हियर जो, सो उसके साथ आंसर क्या रहेगा आपका, हैज, जो हैज टू पेट्स। नेक्स्ट है दे डैश हैव ऑब्लिक हैज अ गार्डन, अब दे के साथ क्या यूज होगा बेटा, सी हियर दे के साथ हैव यूज होगा, राइट। सो आपका आंसर क्या रहेगा, दे हैव अ गार्डन। नेक्स्ट है आई डैश अ गिफ्ट फॉर यू, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, राइट। सो आई के साथ क्या यूज होगा बेटा, हैव, सो सी हियर आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट है सी
दैट्स अ येलो बैग। अब शी जो है उसके साथ क्या यूज़ किया गया है, सही है, यहाँ पे शी लिखा हुआ है, उसके साथ यूज़ होगा हैज़। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, शी हैज़ अ येलो बैग। सी वंस अगेन, ए डू यू हैव अ पेन, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो आपके आंसर हैं, ब्लैंक के अंदर आपको ये आंसर लिखने रहेंगे। ओके, बी टीना हैज़ अ नाइस होम, जो हैज़ टू पैट्स, दे हैव अ गार्डन, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, शी हैज़ अ येलो बैग। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर एक्सरसाइज 3। फर्स्ट गो थ्रू रीडिंग। रोनिट डैश अ मैजिक गार्ड मैजिक पेन, इट डैश मैजिकल पावर्स, तारा कोमा रोनिट सिस्टर वॉन्टेड टू डैश इट, सो ही गेव इट टू हर, नाउ तारा डैश अ मैजिक पेन। अब यहाँ पे भी हमें देखना है हैव कहाँ पे रखना है और हैज़ कहाँ पे रखना है। ओके, सो वो जो मैंने अभी पहले बताया कि ही शी और इट जो है वहाँ पे क्या यूज़ होगा बेटा, हैज़ यूज़ होगा, और वी यू दे जो है उसके साथ क्या यूज़ होगा, हैव। सी हियर, रोनिट डैश अ मैजिक पेन, अब रोनिट जो है वो बॉय है, सो बॉय के लिए क्या यूज़ होगा बेटा, ही, सो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, हैज़, सो रोनिट हैज़ अ मैजिक पेन, इट डैश मैजिकल पावर, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स पेन, राइट, सो इट के साथ भी यूज़ होगा हैज़, सो इट हैज़ मैजिकल पावर्स, तारा रोनिट सिस्टर वॉन्टेड टू डैश इट, अब तारा जो है वो क्या हुई, रोनिट की सिस्टर, राइट, सो उसको क्या चाहिए, वो पेन चाहिए, राइट, सो तारा रोनिट सिस्टर, अब यहाँ पे देखो मीन्स सेकेंड पर्सन हुई, तारा, तारा कौन है, रोनिट की सिस्टर मीन्स शी, राइट, और शी मीन्स सेकेंड पर्सन यहाँ पे बताया है, राइट, मीन्स जो तारा है, राइट, वो तारा कौन है, रोनिट की सिस्टर मीन्स वो सेकेंड पर्सन हुई, सो सी वॉन्टेड टू हैव इट, अब यहाँ पे हैव क्यों हुआ, क्योंकि तारा जो है वो रोनिट की सिस्टर मीन्स सेकेंड पर्सन हुई, राइट, सो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, मीन्स उसको पेन चाहिए, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैव, सो तारा रोनिट सिस्टर वॉन्टेड टू हैव इट, सो ही गेव इट टू हर, तो उन्होंने जो रोनिट है उसने उसको दे दिया। नाउ तारा डैश अ मैजिक पेन, अब जो तारा है उसके लिए क्या यूज़ होगा, शी, सो शी के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़, ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका, नाउ तारा हैज़ अ मैजिक पेन। सी वंस अगेन, रोनिट हैज़ अ मैजिक पेन, इट हैज़ मैजिकल पावर्स, तारा रोनिट सिस्टर wanted to have it, so he gave it to her, now Tara has a magic pen, now once again go through the exercise 1, fill in the blanks with have and has, I have a dog, see here ye jo blue color se likhe hue hai beta wo aapke blank ke answer hai, agar aapne nahi likhe hain to video mein dekh ke bhi aap likh sakte ho, okay, मैंने PDF भी भेजी है, आप PDF में से भी देख के लिख सकते हो। वी हैव अ कैट, शी हैज़ अ हॉर्स, दे हैव अ बिग हाउस, अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, डैनी हैज़ अ बाइसिकल, नाउ गो थ्रू एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट वन है, डू यू हैव अ पेन, टीना हैज़ अ नाइस होम, जो हैज़ टू पेट्स, दे हैव अ गार्डन, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, शी हैज़ अ येलो बैग, नाउ सी योर एक्सरसाइज 3, complete the story by using have or has. Ronit has a magic pen.
इट हैज़ मैजिकल पावर्स. तारा रोनित सिस्टर वॉन्टेड टू हैव इट, सो ही गेव इट टू हर. नाउ तारा हैज़ अ मैजिक पेन. सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर नंबर 14 हैव एंड हैज़ इज़ कम्प्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. स्टे होम, स्टे सेफ. जज़ाकल्लाह.